हाय फ्रेंड, मैं विद्या सागर और देखें भी इसकी विद्या सागर सिंह चैनल। तो देखिए, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे एक्सरसाइज 1.5। पिछले वीडियो में मैंने पहला क्वेश्चन बता दिया था, इसमें दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ, तीसरा इस वीडियो में बता दूंगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हाँ, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, NCERT बुक है, क्लास ग्रेवी क्या है, एक्सरसाइज 1.5 का दूसरा क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन अभी नहीं देखे हैं तो उसको जाकर फटाफट देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो देखिए, सबसे पहले सभी का पूरक निकालना है। देखिए, ई बराबर इतना दिए गए हैं तो निम्नलिखित का पूरक, पूरक कहने का मतलब डैश, ध्यान दीजिए, पूरक कहने का मतलब ए का पूरक निकालना है पहला में, तो ए डैश निकालना है। ठीक है, ए डैश हम जानते हैं कैसे निकालना है, पिछले वीडियो में निकाल कर दिखाया था आपको, लेकिन इस वीडियो में देख लीजिए, समझ लीजिए। देखिए, यू में से ए को घटा देंगे, जिसका डैश निकालना है यू में से उसको घटाएंगे। ठीक है, देखिए यू का मान आपका कितना दिया गया है, तो यू का मान जितना दिया गया है उसको लिखिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इतना ही आपका मान दिया गया है यू का। और माइनस, तो माइनस ए, तो ए का मान देखिए कितना दिया गया है, तो ए का मान आप लोगों का दिया गया है ए बी सी, ए बी सी। तो देखिए, घटाने का मतलब, माइनस का मतलब क्या हुआ, पहला समुच का ऐसा भी है जो इसमें नहीं होना चाहिए। तो देखिए, ए तो है तो ए नहीं लिखेंगे, बी है तो बी नहीं लिखेंगे, सी है तो सी नहीं लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई लिखेंगे, एफ लिखेंगे, जी लिखेंगे, एच लिखेंगे, इतना ही आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा में देखिए, दूसरा कह रहा है बी बराबर इतना दिया गया तो बी डैश निकालेंगे। देखिए, दूसरा का हल, किसी का पूरक निकालने का मतलब उसका डैश। ठीक है, तो बी का पूरक निकालना तो बी डैश आपका दिया गया है, देखिए बी डैश निकालेंगे, यू में से बी को घटा देंगे तो बी डैश निकल जाएगा। यू का मान देखिए कितना दिया गया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, इतना दिया गया माइनस बी, तो बी का मान देखिए कितना दिया गया, तो बी का मान देखिए डी ई एफ जी, इतना। तो देखिए, पहले समुच का ऐसा भी है जो इसमें नहीं होना चाहिए, तो इसमें डी है तो डी नहीं लिखेंगे, लेकिन ए तो लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, देखिए डी नहीं लिखेंगे, ई भी नहीं लिखेंगे, एफ भी नहीं लिखेंगे, जी भी नहीं लिखेंगे, एच लिखेंगे। देखिए, जो दोनों में मिल जाएगा उसको नहीं लिखेंगे, जो भी बचेगा इसमें का उसको लिख देंगे। ठीक है, तो बी डैश आ गया। तीसरा में देखिए निकलना है सी का पूरक, तो सी का पूरक तीसरा हो गया, ये तीसरा क्वेश्चन है, तीसरा है और ये चौथा क्वेश्चन है। देखिए, तीसरा में निकलना है सी का, तो सी डैश निकालेंगे, सी डैश निकालने के लिए इसी तरह सी को घटाना पड़ेगा। यहाँ तीसरा का हल कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, आप ऐसे नहीं करिएगा, आप बारी बारी से सबको बनाते चलिएगा, मैं आपके सामने सी डैश का मान निकाल देता हूँ। तो सी डैश का देखिए मान कैसे निकलेगा, यू में से सी को घटाएंगे, तो देखिए सी का मान क्या क्या दिया गया, तो सी का मान दिया ए सी ए सी ई जी, इतना देखिए सी का मान, सी का मान इतना दिया गया है। ठीक है, तो सी के जगह पे हम मैंने इतना रख दिया, इसको घटा देंगे। तो देखिए, सबसे पहले ए है दोनों में, तो ए को नहीं लिखेंगे, बी को लिख देंगे, सी है दोनों में नहीं लिखेंगे, डी को लिखेंगे, ई है दोनों में नहीं लिखेंगे, एफ जी है दोनों में नहीं लिखेंगे, तो एच लिख देंगे, इतना ही हो गया आपका सी डैश का मान। ठीक है, चौथा में निकालना है डी, डी का उतना मान दिया गया है, डी डैश निकालना था, डी डैश निकालने के लिए आपको चौथा यहाँ पे बना दे रहे हैं, डी डैश निकालने के लिए डी को घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो डी को घटाने के लिए यहाँ पे डी का मान लिखेंगे, तो डी का मान देखिए दिया गया है एफ जी एच ए दिया गया है, तो आप लोग का घटाने पर आएगा, देखिए ए दिया गया है इसमें, तो ए नहीं लिखेंगे, बी बी लिख देंगे, सी लिख देंगे, डी लिख देंगे, ई ई भी लिख देंगे, एफ नहीं लिखेंगे क्योंकि एफ इसमें दिया गया है, जी भी नहीं लिखेंगे, एच भी नहीं लिखेंगे, तो इतना ही आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, डी डैश के मान। तो इसका तीसरा क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो देखिए, तीसरा प्रश्न आप लोग के सामने दिया गया है, प्रकृत संख्याओं को समुच को सर्वत्रिक मानते हुए निम्नलिखित समुच्चयों का पूरक लिखे, पूरक लिखना है, यानी जो भी संख्या दिया गया है उसका पूरक। तो देखिए, पूरक कहने का मतलब हमें यू में से यानी सर्वत्रिक में से घटाना होता है। सर्वत्रिक क्या है, तो देखिए कह रहे हैं सर्वत्रिक समुच्चय मानते हुए, देखिए प्रकृत संख्या को सर्वत्रिक मानना है, यानी यू बराबर मानना है प्रकृत संख्या है। ठीक है, अब प्रकृत संख्या जानते हैं आप लोग, एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 5 गिनती की संख्या के प्रकृत संख्या कहते हैं, तो यू को प्रकृत संख्या मान लेना है। और आपका मान लीजिए ए बराबर दिया गया है, पहला का जो कह रहा है एक से एक सम प्रकृत संख्या है, देखिए जो प्रकृत संख्या है वो सम है। ठीक है, और एक यानी मैंने मान लिया ए बराबर इतना दिया गया है, ठीक है कि एक प्रकृत संख्या है, मैंने सम प्रकृत संख्या है, तो ए डैश निकला है, ए का यानी पूरक, पूरक देखिए कह रहा है आपको पूरक लिखे, पूरक लिखना है, तो इसका पूरक ऐसा होगा,
ये कह रहा है सम प्रकृत संख्या है। देखिए तो हम कह देंगे ये विषम संख्या है, लिखेंगे एक्स एक प्रकृत, यहाँ प्रकृत लिख देंगे, यहाँ पे प्रकृत विषम संख्या है। देखिए क्यों, वो देखिए सम संख्या कह रहा है, अभी सम संख्या दो संख्या होता है। देखिए प्रकृत संख्या में से सम संख्या को घटाना पड़ेगा हमें, जो किसी का भी पूरक निकालने के लिए यू में से घटाना होता है, तो यू है प्रकृत संख्या, प्रकृत संख्या में से सम संख्या घटाएंगे तो विषम संख्या बच जाएगा, तो वही लिख देंगे ए डैश बराबर वो विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए एक्स एक प्रकृत विषम संख्या है, इस बार विषम संख्या है तो सम संख्या हो जाएगा। एक तरह से मान लीजिए ना तो उल्टा भी कर सकते हैं, मैंने विपरीत कर सकते हैं। ठीक है, विषम संख्या घटा देंगे तो सम संख्या ही बचेगा। तीसरा एक्स एक संख्या तीन का धन गुणज है, तो देखिए यहाँ पे मैंने बना दिया है, तो मान लिया मैंने सी पर इतना सी डैस निकालना, सी डैस यानी घटाना होगा हमें। तो देखिए तीन का एक धन गुणज है, गुणज है तीन के गुणज, तो हम कह सकते हैं इसको घटाएंगे तो तीन के गुणज नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए चौथा क्वेश्चन दिया गया है, तो चौथा क्वेश्चन आप लोगों का कह रहा है एक्स एक अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या है तो लिख देंगे यहाँ पे एक्स अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि आप घटाएंगे चौथा, चौथा क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, चौथा क्वेश्चन बुक से भी देखिए, पचवा पचवा कह रहा है एक से तीन और पाँच के भी विभाजित होने वाली संख्या है। देखिए तीन और पाँच दोनों से विभाजित होने वाली संख्या है, तो हमें पूरा कुछ का निकालना है, तो हम लिख देंगे एक तीन और पाँच से विभाजित नहीं होती है, तीन और पाँच से विभाजित नहीं होगा उसी का पूरा क्वेश्चन, यानी उल्टा एक तरह से कह दीजिए, यानी क्वेश्चन कह रहा है तीन और पाँच से विभाजित होगा तो आप कह दीजिए तीन तीन और पाँच से विभाजित नहीं होगा। छठा देख लीजिए एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कह रहा है एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आप पूरक ज्ञात करिएगा तो लिखिएगा एक्स एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। उसके बाद सातवां देखिए पूर्ण घन संख्या कह रहा है, तो लिखेंगे आप कि एक्स एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, वो देखिए क्वेश्चन कह रहा है हम कह देंगे नहीं है, क्योंकि जब घन संख्या इसमें से सभी संख्या इसी में है, जितना भी दुनिया की संख्या होता है इसी में है, तो देखिए घन संख्या घटा देंगे तो बिना घन संख्या वाला बच जाएगा, तो लिख देंगे एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। उसके बाद आठवां, आठवां कह रहा है एक्स कॉमा एक्स प्लस पाँच बराबर आठ, कहने का मतलब एक्स बराबर आठ माइनस पाँच, यानी एक्स बराबर कितना हो जाएगा तीन, तो लिखिएगा आप देखिए एक्स बराबर तीन, तो लिखिएगा एक्स प्रकृत संख्या है तथा एक्स बराबर नॉट इक्वल टू तीन, यानी एक्स बराबर यहाँ पर तीन हो रहा है ना, तो हमें उल्टा कहना है, यानी पूरक निकालना है, पूरक निकालना है कह देंगे एक्स बराबर तीन नहीं होगा, यानी एक्स नॉट इक्वल टू तीन। ठीक है, उसके बाद दिए गए हैं एक्स बड़ा सात, एक्स बड़ा या बराबर सात, यानी सात से बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, तो हम कहेंगे सात एक्स का मान सात से छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में आपका दिया गया, ध्यान से देखिए समझिए पहले, क्वेश्चन कह रहा है सात से बड़ा है नहीं तो सात है। ठीक है, सात से बड़ा या सात, तो सात से बड़ा हो गया सात भी हो सकता है, देखिए बराबर भी दिया गया सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, मानी बड़ा समझिए अनंत तक, सात से बड़ा मानी सात से लेकर अनंत तक, तो प्रकृत संख्या में सात से घटा देंगे अनंत तक तो केवल केवल बचेगा छः तक, यानी एक से लेकर छः तक, तो लिखेंगे सात से कम ही होगा, एक्स का मान सात से कम होगा, यानी छः पाँच चार तीन दो एक इतना ही हो सकता है। ठीक है, इसके बाद देखिए ग्यारहवा क्वेश्चन दिया गया है, ग्यारहवा क्वेश्चन कह रहा है टू एक्स प्लस वन, ध्यान से देखिए टू एक्स प्लस वन बड़ा दस, यानी टू एक्स बड़ा इधर प्लस वन है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो दस माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे टू एक्स हो जाएगा बड़ा नौ हो जाएगा, एक्स बड़ा नौ बटा दो इतना हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपका कह रहा है इतना, आप मान निकाले क्वेश्चन से तो इतना आ रहा है, इसका भी पूरक निकालना है, यानी उल्टा कर देंगे, तो उल्टा करेंगे तो एक्स बड़ा नौ बटा दो, यानी देखिए यहाँ पे कह रहा है नौ बटा दो से बड़ा होना चाहिए एक्स का मान, तो हम कह देंगे नौ बटा दो से छोटा होना चाहिए एक्स का मान, क्योंकि पूरा निकालेंगे, पूरा निकालेंगे मतलब यू से घटाएंगे, यू यानी प्रकृत संख्या घटाएंगे, तो घटाएंगे तो जस्ट उसके उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा तो आपका यही सही आंसर हो जाएगा, यानी आपका क्वेश्चन कह रहा है इतना तो हम लोग कह देंगे इतना। ठीक है, तो बारी बारी से, लेकिन हाँ आपको एक सजा कर प्रणाली लिखना होगा इसी की तरह, जो भी मैंने लिख रहा हूँ इसी की तरह हिंदी थोड़ा लिखना होगा मानकर, लेकिन मैंने आपको बता दिया है, आपने आप जरूर बना लीजिएगा। ठीक है, ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो पर लाइक जरूर करिएगा, और हाँ अपने दोस्त के पास भी शेयर करिएगा, और अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल कलर का बटन दिया गया उसको दबाकर फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।